नमस्कार, आप देख रहे हैं MB न्यूज 27, देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल। नवादा में सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया रेप, आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर नवादा पुलिस एक्टिव हो गई है। नवादा पुलिस ने आरोपित कुकर्मी के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। वहीं महिला थाना प्रभारी कुमारी बबीता रानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के मिलने के बाद दुष्कर्म के आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। आपको बताते चले कि महिला थाना के साथ दल बल के साथ पहुंचे पुलिस ने थाली बजाकर आरोपी के घर के गेट पर ही इश्तेहार चिपका दिया। जानते हैं क्या है पूरा मामला। सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पीड़िता ने 5 मई को घटना के बाबत महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नवादा जिले के एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता ने नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर मोहल्ला निवासी विजय कुमार शर्मा के पुत्र धर्मेंद्र कुमार शर्मा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्य आरोपित की माँ और बड़े भाई पर आरोप लगाया गया है कि दोनों ने मिलकर गर्भपात के लिए दवा खिलाने का प्रयास किया। थाने में दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि 1 साल पहले आरोपित से मुलाकात हुई थी। उसने सरकारी नौकरी दिलाने की बात कही और बाद में मोबाइल पर उससे बातें होने लगी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने प्यार की जाल में फंसा लिया, फिर शिक्षक की नौकरी दिलाने की बात कह एक अनजान घर में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। बार बार कहने के बावजूद वह न तो शादी के लिए तैयार हुआ और न ही नौकरी लगवाई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने इस बीच नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ रुपये भी लिए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद गर्भ ठहर गया तो उसने दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। इसके बाद पुनः दुष्कर्म किया, जिसके बाद फिर से पीड़ित लड़की प्रेग्नेंट हो गई। पीड़िता ने यह भी बताया कि जब वह शादी की बात लेकर आरोपित के घर पहुंची, तो उसकी माँ व बड़े भाई ने दवा खिलाकर गर्भपात कराने का प्रयास किया। परिवार के द्वारा जान मारने की धमकी दी जा रही थी। नवादा जिला से गौरव कुमार की रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।